हमारे स्कूल में आज मातृ पूजा हो रहा है, अभी 2 बजे से लगभग शुरू होगा। ये मेजर सभी निकाल रहे हैं यमुना गेट, जो हम लोग का नया बिल्डिंग हॉस्टल है, जो अभी से नेक्स्ट सेशन से शायद स्टार्ट होगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग का मातृ पूजा होता है। मातृ पूजा बोलने से माँ का जो पूजा होता है वो सिर्फ बिहेवियर में आपको दिखाई मिलेगा। तो ये आगे आगे देखते रहिए मैं कैसे आपको सब कुछ क्या क्या होता है, कैसे हम मातृ पूजा करते हैं वो हम दिखाते रहेंगे आप लोग को। थैंक यू सर। थैंक यू। ये पूजा का जो उद्देश्य होता है, माता पिताजी ने अपने प्यारे बच्चों को आज के साथ महाविद्यालय क्लास थ्री के अंदर में हमें दिया था, उनको एक इच्छा, उनकी इच्छा के अनुसार जैसा शिक्षक ने बताया पॉइंट फॉर डेवलपमेंट हेतु, यानी संक्षेप में बोले या शॉर्ट में बोले तो उसको शिक्षित करके जितना संभव हो सके एक सुयोग्य भारत का नागरिक, एक सुयोग्य सिटीजन के तौर पर उनको हम प्रेम करें। हमने जितनी कोशिश की और आज के दिन एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट है उनके हाथ में दिया जा रहा है पूजा, इसलिए भी आपने देखा होगा कि बच्चों ने इसे उत्पादन किया था तो उस कनेक्शन को वापिस एक जागृत है तो वह कहता है, वह अपने मन में भाव रखता है कि मेरा जीवन तेरे चरणों में समर्पित है। बच्चा जब माँ के पैरों पर होता है तब वो पूछता है तो वो कहता है, माँ तेरे हर कष्ट को कांटों से निर्मूल करते हुए मैं अपना जीवन
श्रेय समर्पित करूँगा। और फिर अभी आकर के कुछ यहाँ पूजा के रिचुअल्स हैं वो अभी होंगे, वो हमारा तरीका है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि माँ और बेटे में या माँ और बेटी में जो जन्म के बाद एक संबंध शरीर से बाहर जाने के बाद जो संबंध एक बिछड़ाव हुआ था, उस बिछड़ाव के अंदर में फिर से एकता को जागृत करना, उसमें फिर से मातृपूजा उसके उपलक्ष्य पे कुछ उसके जो महत्व को बोलने के लिए जा रहा हूँ। जैसे सर ने बताया कि मातृपूजा जो है हमारे विद्यालय में कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ये कक्षा दसवीं और बारहवीं जो बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हैं उनके लिए मनाया जाता है, ताकि ये एक जो है अनोखा संबंध का सम्मान करते हैं, खासकर माता को तो बहुत ज़्यादा पुराने कालों में भी चलने के लिए प्रेरित करती है, सदा वो हमेशा चाहती है कि अपने बच्चे में अच्छा ही डाले, वो अपनी इच्छाएं। सभी मित्र दोहराएंगे ओम गौरी नमः, ओम सत्ये नमः, ओम सत्ये नमः, ओम मेधाय नमः, ॐ विजयाय नमः, ॐ मातृभ्यो नमः, ॐ विद्याय नमः। अभी आप सभी के थाली में हमने बताया था चंदन यानी पीला चंदन और कुमकुम यानी लाल चंदन दोनों होगा, अपने माता पिता के चरणों में मंत्रोच्चारण के समय समर्पित करेंगे। कुछ मंत्रों के माध्यम स्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, इसका अर्थ है हे माँ आप शक्ति का वर्धन करने वाली हैं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमस्तस्य नमो नमः। हे मां आपको सदा करम